प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली वालों को एक नया तोहफा दिया। प्रगति मैदान का इलाका जहां आमतौर पर जाम लगता था, वहां एक नई टनल का उद्घाटन किया गया। इस टनल के इस सुरंग से प्रधानमंत्री ने न केवल इसका पूरा जायजा लिया बल्कि पैदल चलकर वहां की दीवारों पर बनी कलाकृतियों को तो देखा ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक रहते हैं ये भी आज इस उनके इस दौरे में नजर आया। क्योंकि रास्ते में पैदल चलते हुए कलाकृतियों को देखते हुए जैसे ही उन्हें कचरा दिखा, उन्होंने कचरे को तत्काल उठा लिया और उसके बाद सुरंग में जो पड़ी खाली बोतल थी उसको उठाकर उन्होंने डस्टबिन में फेंका। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो सोशल कमिटमेंट जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वो सोशल कमिटमेंट आज उनके इस दौरे में भी नजर आया। रास्ते में चलते चलते जैसे ही उन्हें कचरा दिखा, उन्होंने उसको हाथ में उठा लिया, उसके बाद वो चलते रहे आगे। और साथ ही खाली पड़ी बोतल जब उन्हें नजर आई तो उस बोतल को भी उन्होंने उठाया और उसके बाद डस्टबिन में फेंका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ ये वाकया? 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी और उसके बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, उसके बाद से उनका जो कमिटमेंट है स्वच्छता को लेकर वो हमेशा देखने को मिलता है। आज जब वो ITPO टनल का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उद्घाटन के बाद उसका निरीक्षण कर रहे थे तो उस दौरान रास्ते में उनको कुछ गुटके की कुछ रैपर पड़े मिले और उसके बाद एक बोतल खाली साइड में पड़ी मिली। तो चूंकि आदमी जब किसी अभियान की शुरुआत करता है और उससे उसको दिल से लगा के रखता है तो उसके व्यवहार में भी वो छलकता है। प्रधानमंत्री के व्यवहार में वही देखने को मिला कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही कचरा देखा उसको तुरंत गुटके के दोनों रैपर को भी उठाया, पानी की खाली बोतल को भी उठाया, गुटके के रैपर को पानी की बोतल के अंदर डाला और हाथ में लेकर चले गए। ये बात अलग है, बाद में उनके कर्मचारियों ने उसे ले लिया और डस्टबिन में उसे डाल दिया। लेकिन ये एक बड़े नेता एक किसी भी व्यक्ति के कमिटमेंट को दर्शाता है कि वो व्यक्ति जो जिस अभियान की उन्होंने शुरुआत की उसको लेकर वो कितना ज्यादा गंभीर है, कितना ज्यादा उसको लेकर वो सोचते हैं। तो ये हम सबको भी इसको सीखने की जरूरत है कि कहीं भी कोई कचरा दिखे ना तो खुद गंदगी करें और ना गंदगी आसपास देखें, जहां भी गंदगी हो उसे उठाएं। तो ये एक बड़े नेता के कमिटमेंट को दर्शाता है। जी प्रणय, बिल्कुल नीरज, उनके कमिटमेंट को तो दिखाता ही है लेकिन स्वाभाविक रूप से जिन अधिकारियों ने इंतजाम किया होगा उनके सामने भी ये एक नजीर के तौर पर सामने नजर आया होगा उन्हें और उनको ये आईना दिखाया होगा इस घटना ने। निश्चित रूप में उन सबके लिए ये एक नजीर है, उनके उनको सोचने की और इस पर आत्मसात करने की जरूरत है कि आखिर इतने सब व्यवस्था के बाद ये कचरा रह कैसे गया, कैसे वहां पड़ा रहेगा। निश्चित रूप में कोई ना कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति होगा जो गुटखा खा के वहीं पर रैपर फेंक दिया होगा या पानी पी के बॉटल वहीं रख दी होगी, यही हुआ होगा। लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए लेशन है जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, जो लोग वहां इस व्यवस्था को देख रहे थे कि जब देश का प्रधानमंत्री जब वहां से गुजर रहा है उनकी नजर में ये गंदगी आ गई तो आपकी नजर में क्यों नहीं आई, सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल स्वाभाविक। नीरज, प्रधानमंत्री ने इस चीज के सहारे अपने आचरण से उदाहरण पेश करने की कोशिश निश्चित तौर पर की है। सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। Thank you.
बोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।